नमस्ते दोस्तों आ, वेल दोस्तों अपनी ये जो बोले कार है आ, उसका ये मेरा जो है वो अल्फा मॉडल है ठीक है तो उसके अंदर एक ट्रैक्शन कंट्रोल करके एक फीचर आता है ठीक है तो उसका क्या यूजेज है उसको कैसे वो एक्टिवेट होता है वो कैसे काम करता है एज वेल एज यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ एक ट्रैक्शन कंट्रोल का जो ये फीचर है उसको ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक स्विच दी गई है तो क्या उसको ऑन रखना एडवाइजेबल है या फिर उसको ऑफ करना कहाँ एडवाइजेबल है उसके रिकार्डिंग ये छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो में बना रहा हूँ तो प्लीज वीडियो में जरूर बने रहिए तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चले दोस्तों समझते हैं कि ये ट्रैक्शन कंट्रोल एक्चुअल में होता क्या है एक्चुअल में ट्रैक्शन कंट्रोल यानी व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का एक फीचर अपनी गाड़ी में दिया है बलेरो की बात करूँ तो मैं बेस मेडल को छोड़कर बाकी सभी मॉडल में ये फंक्शन uh, अवेलेबल है और ऑटोमेटिक में टॉप टू मॉडल्स में अवेलेबल है uh, मैं श्योर sure नहीं हूँ लेकिन आई थिंक टॉप टू में वो अवेलेबल है तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल का एक्चुअल में यूज क्या होता है तो उसकी बात करें दोस्तों uh, तो क्या होता है कि कई बार uh, जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ नया रोड अगर बना है तो उसके ऊपर छोटी रेत डाल दी जाती है ठीक है और फिर मॉनसून का अगर सीजन आता है तो जो फर्स्ट जो बारिश होती है पहली जो बारिश होती है उसके बाद क्या होता है कि रोड पर जो जहाँ जहाँ पर शायद ऑयल गिरा होता है ना तो वो आ, आ, उसकी जो वेटेज होती है वो पानी से हल्की होती है तो वो सरफेस पर आ जाते हैं और आपने न्यूज़पेपर में या न्यूज में भी देखा होगा कि भाई पहली बारिश के बाद टू व्हीलर्स हो जो लोग ड्राइव करते हैं वो स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं कहीं पर ब्रिजेस पर या फिर रोड्स पर तो वही होता है कि भाई जब हमारे जो रोड की जो सरफेस है ना वो स्लिपरी हो जाती है नया रोड बना है वहाँ पर और बारिश के सीजन में या फिर कीचड़ वगैरह है यहाँ पर तो उस टाइम पर क्या होता है कि भाई ये ट्रैक्शन कंट्रोल का जो फीचर गाड़ी में दिया है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है कि जब चेक करता है कि भाई गाड़ी की मूवमेंट और जो स्टीयरिंग और जो टायर्स की जो मूवमेंट है ना वो डायरेक्शन वो देखता है अगर हमारी गाड़ी का जो आ, कहते हैं कि भाई फेस जो है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है अपना स्टीयरिंग और जो व्हील का कोऑर्डिनेशन है वो अलग दिशा में जा रहा है तब वो क्या करता है कि भाई गाड़ी का जो पावर है ना वो कम कर देता है एज वेल एज ब्रेक अप्लाई कर देता है उससे क्या होता है कि भाई अपनी जो गाड़ी का जो शायद uh, हमारा जो कंट्रोल गाड़ी पर से जो जा रहा होता है ना वो आई थिंक सम हाउ वो हम कंट्रोल कर सकते हैं uh, पहली चीज़ होती है कि भाई गाड़ी का स्टेयरिंग थोड़ा सा हैवी हमको फील होगा टायर्स uh, पर जो है पावर थोड़ा सा कम प्रोड्यूस uh, होगा एज वेल एज़ ब्रेक थोड़ी सी कंट्रोलेबल अप्लाई होगी तो जो टोटली totally हम कंट्रोल जो लॉस कर रहे हैं रोड पर से तो उस पर हम अपनी गाड़ी पर थोड़ा सा बेटर कंट्रोल ला सकते हैं तो यही यूज होता है ट्रैक्शन कंट्रोल का uh, दोस्तों अगर एक बेसिक एग्जांपल मैं दूं कि भाई आ, गाड़ी का मूवमेंट जो है वो अलग दिशा में और टायर्स और जो अपना स्टीयरिंग का मूवमेंट है वो अलग दिशा में तो उसका एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने ड्रिफ्ट के बारे में तो सुना ही होगा अगर आप कार लवर है तो आपको मालूम ही है कि ड्रिफ्ट क्या होता है आप ड्रिफ्ट में देखते हो कि गाड़ी का मुंह कहीं एक लेफ्ट साइड होगा एज वेल एज जो गाड़ी के टायर्स और जो स्टीयरिंग की मूवमेंट होगी ना वो राइट साइड की होगी और गाड़ी जो मूव होती है वो राइट साइड मूव होती है क्योंकि पीछे से फोर्स आता है और हम आ, क्या कहते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन लेकर गाड़ी को राइट या फिर लेफ्ट में हम मूव करते हैं आपको मालूम है कि ड्रिफ्ट क्या होता है तो दोस्तों जो ये ड्रिफ्ट का होता है ना वो हम विथ इंटेंस करते हैं वो स्किल एबिलिटी का काम है ठीक है लेकिन जब गाड़ी को हम नॉर्मल ड्राइव करते हैं रोड पर और अगर स्लिपरी सरफेस पर हमारी गाड़ी स्लिप हो रही है और उस दौरान हम स्टीयरिंग से और गाड़ी पर से कंट्रोल जब गुम लॉस करने वाले होते हैं ना उस टाइम पर ये ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर काफी यूजफुल होता है वो आ, एक पावर रिड्यूस कर देता है दूसरा करता है ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई करता है और वो इमीडिएट ब्रेक या फिर इमीडिएट पावर लॉस नहीं करता वो कंसिडरेबली रिड्यूस करता है ग्रेजुअली रिड्यूस करता है जिससे कि आप कंट्रोल लॉस करने से पहले ही आप बेटर हैंडलिंग uh, कर सकते हो गाड़ी की दोस्तों शायद आप सोच रहे हो कि, कि अगर ये इतने ही बेहतरीन फीचर है तो फिर इसको ऑफ करने के लिए गाड़ी में स्विच देने की क्या जरूरत है तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप तो जानते ही हो अपने दोस्त इंडिया में जो रोड की जो हालत होती है खास कर कर मानसून सीजन में के पूरे गड्ढे पड़ जाते हैं और पानी भर जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि भाई हम अपनी जो गाड़ी है ना बलेनो अल्फा या फिर कोई भी मॉडल ले लो ये ऑफ के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है लेकिन सम्भव हम जर्नी करते हैं और मानसून के सीजन में या फिर हम कोई कच्ची सड़क पर चले जाते हैं उस टाइम पर क्या होता है कि भाई हमारी गाड़ी का जो बैलेंस होता है ना वो हंड्रेड परसेंट सिंक्रोनाइज नहीं होता है ठीक है तो उस टाइम पर क्या होता है कि भाई हम थोड़ा सा चलिए मानसून का सीजन है और गांव या फिर कच्ची सड़क पर हम जा रहे हैं उस टाइम पर क्या होता है कि भाई हमको पावर थोड़ा देने की ज़रूरत हमको महसूस होती है और हम पावर देते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ स्लिपरी सरफेसिस है या फिर नया रोड है या फिर ऑयल है उसकी वजह से या फिर पानी है तो उस टाइम पर टायर घूमता ही रहता है उस टाइम पर ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर अगर ऑन होगा ना तो वो पावर रिड्यूस कर देगा ठीक है और ब्रेक अप्लाई कर देगा स्टीयरिंग को हैवी कर देगा तो उस टाइम पर हमको ये चीज़ नहीं हमको उस सिचुएशन से निकलने की जरूरत है अगर हम गाड़ी पर कंट्रोल हम लॉस नहीं कर रहे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पावर ताकि हम ऐसे गड्ढों में से निकल जाए ठीक है तो उस टाइम पर ये ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर हमें एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज बनकर सामने आ सकता है इसलिए यहाँ पर गाड़ी में ये फीचर को ऑफ करने के लिए यह स्विच दिया है तो दोस्तों ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया था ट्रैक्शन कंट्रोल यानी व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के ऊपर आई होप आपको ये फंक्शन कैसे यूज करना होता है और कहाँ कहां पर ये स्विच को हमको ऑफ करना होता है ये फंक्शन को ऑफ करना होता है तो इसके लिए आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर लगा होगा अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि भाई चले अच्छे कंटेंट बनाऊ और आपसे शेयर करता रहूं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक टेक केयर हैप्पी एंड हेल्दी एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग